छठ पर्व पर महानगर की यातायात व्यवस्था को प्रभावशाली बनाने के लिए एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ब्लू कमांडो को तैनात किया है, जो ट्रैफिक पुलिस के साथ महानगर की ट्रैफिक व्यवस्था को संभालेंगे। आपको बता दें कि समाज सेवी संगठन ट्रैफिक एसिडेंसी यूनिट के सदस्य महानगर की यातायात व्यवस्था में अपना सहयोग देंगे, जिसमें मंगलवार को 25 ब्लू कमांडो ने विभिन्न चौराहों पर अपनी सेवाएं दी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने बताया। पिछले साल भी मैंने यहाँ पे छठ की ड्यूटी की है, तो छठ की ड्यूटी में यातायात की बहुत भीषण समस्या रहती है, जाम की स्थिति रहती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने एक तो एक वॉलंटियर संगठन जो हमारा खड़ा हुआ है, ट्रैफिक एसिडेंसी यूनिट, 2 महीना पहले हम लोगों के चर्चा परचर्चा में ये रिजल्ट आज सामने है। उसमें श्री आदित्य मिश्र जी, उदय प्रताप मिश्र जी, इन लोगों ने जो है ये संगठन खड़ा किया है। इसके जो ट्रैफिक वॉलंटियर्स हैं, इनको हम लोग आज छठ पूजा में जाम रहित छठ पूजा मनवाने के लिए इनको हम आज यूज़ करेंगे। इनका काम रहेगा हमारे ट्रैफिक पर्सनल जो वहाँ पे होंगे उनको सहयोग करना, जो ट्रैफिक पुलिस के लोग, ट्रैफिक हेड कांस्टेबल, ट्रैफिक होमगार्ड, उनके साथ मिल के वहाँ पे ट्रैफिक को मैनेज करेंगे। बिल्कुल, हम लोग गोरखपुर वासियों को छठ पूजा बिल्कुल सहोल्लास जाम रहित मनाने के लिए तत्पर हैं और आशा करते हैं कि ये जाम रहित छठ पूजा मनाई जाएगी।